हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद उर्मी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुर्जी। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे और झटपट बनकर भी तैयार हो जाती है। जब आपको जल्दी से सब्जी बनाने का मन करे तब आप ये पनीर भुर्जी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 300 ग्राम के करीब पनीर ले ली है। तो हमें भुर्जी बनाना है तो हमें क्या करना है, हाथों से यानी उंगलियों से इस तरीके से हम मैश कर लेंगे, यानी इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। तो इसी तरीके से कर लेना है, या आप कद्दूकस की सहायता से यानी मोटी वाली जो होती है उधर की साइड से आप इस तरीके से कद्दूकस कर सकते हैं, और नहीं तो आप उंगलियों से ऐसे ही मैश कर लें। तो इस तरीके से मैंने सारे पनीर को मैश कर लिया है, यानी इस तरीके से टुकड़े कर ले पनीर का। तो इस तरीके से टुकड़े करने के बाद चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम 2 बड़ा चम्मच या 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1 पिंच के करीब हींग डालकर जीरा को गोल्डन कलर आने तक चिटकने देंगे। फिर हम डालेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज, सबको डाल देंगे एक साथ और सबको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमें लाइट गोल्डन कलर आने तक नहीं फ्राई करना है। तो अदरक लहसुन को हम कद्दूकस कर कर ही डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस किया हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से हमें लाइट गोल्डन यानी हल्का सा बस प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें फ्राई करना है। तो 2 मिनट के लिए हम प्याज को फ्राई होने के लिए रख देते हैं। तो गोल्डन कलर आने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। जैसे ही प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर जल्दी गले इसलिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा यानी चुटकी भर के करीब यानी या फिर 1/4 चम्मच के करीब नमक, और नमक डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और इसे हम ढक कर 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारी टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट बाद फिर हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे और फिर हम इसे चला लेंगे। तो टमाटर 2 मिनट में ही बहुत ही अच्छी तरीके से गल जाती है, बहुत ही जल्दी, जब नमक डलता है तो और भी जल्दी गल जाती है। तो इस तरीके से चला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो 2 चम्मच भरकर मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ, और साथ में लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो मिर्च कम भी कर सकते हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, और सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मिर्च खाना कम पसंद करते हैं तो आप मिर्च थोड़ी कम डालें, और फिर सारे मसाले को भून लेंगे कुछ सेकेंड के लिए अच्छी तरीके से, और फिर हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने मैश कर कर रखी थी। बस मसाला अच्छी तरीके से भून जाना चाहिए, मसाले का कच्चापन निकल जाए, बस ऐसे ही हमें भूनना है। जब भी आप मसाले भूनें तो गैस का फ्लेम थोड़ी मीडियम कर दे ताकि मसाला जले नहीं तो टेस्ट थोड़ी चेंज भी हो सकती है। तो इसलिए आप मीडियम फ्लेम पर ही आप मसाले को अच्छी तरीके से भून लें, इसके बाद ही ये पनीर डालें, और पनीर डाल के अच्छी तरीके से पनीर को मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेना है ताकि मसाला जो है पनीर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से पनीर में मिक्स हो गई है और हमारा भुर्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो ज़्यादा पकाने का इसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही हमें चलाते हुए पका लेना है। बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है, और यकीन मानिए इसका टेस्ट इतना बेहतरीन होता है, इतना टेस्टी होती है कि मैं क्या बताऊं। जब आप बनाइएगा ना तब पता चलेगा। तो इसे हम ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और कुछ मिनट रख देंगे सब्जी को सेट होने के लिए। तो कुछ मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे और देख सकते हैं हमारी पनीर भुर्जी कितनी टेस्टी लग रही है। बिल्कुल कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। और ये देखिए, है ना, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए फटाफट से गर्मा गर्म इसे सर्व कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। तो आप इसे रोटी के साथ, पराठा, या आप ब्रेड के भी साथ खा सकते हैं, या पाव के साथ
आपको जिस चीज़ के साथ अच्छा लगे आप उस चीज़ के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यकीन मानिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं खाई हूँ तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो अगर आप नहीं खाए हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और ये देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ कितनी लजीज लग रही है देखने में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।